छत्तीसगढ़ के मरवाही में रिश्ते कलंकित हुए हैं। सौतेले भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी है। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर यह खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के गोरखपुर बायपास रोड में खेत से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसके चेहरे और सिर पे काफी चोटें थी। जैसे ही थाना प्रभारी गौरेला को सूचना मिली, वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की प्राथमिक जांच में माना जा रहा है कि व्यक्ति की हत्या की गई है। पुलिस के प्रयासों के उपरांत मृतक की पहचान राजेंद्र ठाकुर 25 साल निवासी सावंतपुर के रूप में हुई है। युवक की मां सीताबाई का कहना है कि 2 दिन राजेंद्र घर नहीं आया था। घटना की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस की टीम ने एक व्यक्ति को ढूंढा, जिसने बताया कि बीती रात शाम को एक व्यक्ति के साथ शराब की भट्टी पर गया था। इस दौरान चखना सेंटर में आपस में लड़ाई झगड़ा होने की बात भी पता चली, परंतु मृतक के साथ रहे व्यक्ति की कोई पहचान नहीं पता चल पाई। उसके हुलिया व बनावट के आधार पर उसके सौतेले भाई गुरु प्रसाद पुरी को तलब किया गया। गुरु प्रसाद पुरी पूछताछ पर पहले तो इनकार करता रहा, पर कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि मृतक इसका सौतेला भाई था। जमीन के बंटवारे का विवाद आपस में था, जिसके चलते यह वारदात की। गोरेला पेंड्रा से संवाददाता उमेश अग्रवाल की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई थाने में कि एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति का शव जो है बाईपास रोड किनारे खेत में पड़ा हुआ है, तो तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंची वहां पर और बाड़ी चूंकि अज्ञात था तो उसको आइडेंटिफिकेशन करने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान लोगों का आवाजाही भी बना हुआ था, लोगों से पूछताछ की जा रही थी, पहचान करने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति के द्वारा उसे बताया गया कि ये पथरा टोला गाँव का रहने वाला है और इसका संभवतः नाम भैयू है, उर्फ राजेंद्र है। तो फिर उसके रिश्तेदारों को पता किया गया, जिस रिश्तेदार के नाम पर उनकी सिर्फ माँ रहती थी साथ में, उनका नाम सीताबाई है, उनको भी ढूंढ करके लाया गया और उसका पहचान कराया गया। उनसे फिर पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि लड़का थोड़ा नशेड़ी प्रवृत्ति का था, गांजा शराब का सेवन करता था और पिछले 2 दिन से घर नहीं लौटा था और गांव में किसी से भी बात भी हुआ था। फिर शक के दौरान उन्होंने बताया कि एक गुरु प्रसाद पुरी है जिसे झगड़ा हुआ था, उसका सौतेला ब्रदर भी है, भाई भी है वो, तो उस पर उसने शंका जाहिर किया। तो उसको बुला करके पूछताछ किया गया कि पहले किसके साथ देखा गया, तो पता चला कि वो शराब भट्टी के पास में उसी गुरु लड़के के साथ था, आरोपी के साथ ही शराब पिया हुआ था और वहाँ आपस में हाथापाई भी हुई थी। तो उसको अहाता वाले जो बैठाता है उसने भी देखा और पहचान किया आकर के मौके पर कि हाँ सर, ये लोग कल जो मृतक है ये और ये जो आरोपी है ये कल दोनों दारू पिए थे, दोनों आपस में हाथापाई भी कर रहे थे। फिर बाद में उनसे थोड़ी सी पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और जब तक हम लोग अपराध का, क्योंकि प्रथम दृष्टि वो अपराध लग रहा था कि हत्या का ही मामला है, तो हमने हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया था और विवेचना हम लोग बढ़ रहे थे आगे। उस दौरान हमको आरोपी भी मिल गया और हमने आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया है और आज उसको मेडिकल परीक्षण के पश्चात उसको जुडिशल रिमांड में भेज देंगे। हत्या की वजह, इनके बीच में एक छोटा सा मुद्दा आया था जमीन विवाद का। चूँकि मृतक जो था आरोपी के जो सगे बाप था, आरोपी का जो बाप था उसने मृतक के माँ को रखा हुआ था और आरोपी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसको ये भय था कि कहीं ना कहीं ये मेरे जो संपत्ति है पूर्वजों का उसको ये हड़प लेगा। इस भय से, डर से उसने उसको मारा था। जो शराब पी रहे थे वो अवैध थी या सरकारी भट्टी से? वो तो वो भट्टी है, वहाँ पर वहीं पर बैठे थे लोग। सर, जहाँ पे ये शराब पी रहे थे तो वो उसको लाइसेंस मिला हुआ सर, या क्योंकि कई जगह पे देखा जा रहा है कि अवैध रूप से शराब लोग पिलाते हैं? वो हो सकता है, वो तथ्यों को मैं अवलोकन नहीं कर पाया हूँ, कोई लाइसेंसी है या नहीं पर्टिकुलर वो प्लेस जो है, तो उसको एक बार पता कर लूँगा मैं कि वो कैसा जगह है, फिर मैं बता पाऊँगा। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भूल गया था। हत्या जो हुई है वहाँ पर, उसमें एक सीमेंट का पोल था 3 फीट का, जिसको उठा के पहले मृतक के द्वारा आरोपी को पैर में मारा गया, जैसा बताया गया उसके निशान भी है पैर पे, राइट पैर पे। फिर इसने उसको उसी पोल से उठा के 2 बार मार दिया सर पे, ऑन द स्पॉट मार। झगड़ते पैदल जा रहे थे, उसका घर आरोपी का घर उसी रास्ते पे पड़ता है,
तो वो लोग अपना घर ही जा रहे थे, तो झगड़ा होते होते ही जा रहे थे भट्टी के पास से वो लोग, तो रास्ते में ही झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया और गहमागहमी बढ़ी, ये घटना हुई। नहीं, जहाँ पर डेड बॉडी मिला था वहीं पर ही, जिस पत्थर से मारा था वो पत्थर भी था और वहीं पर ही गिरा हुआ था, वहीं पर मारा था, वहीं पर मृत्यु हुई थी उनकी। उनके द्वारा सतत मार्गदर्शन दिया गया था। महत्वपूर्ण भूमिका होती है थाना भारी की। थाना भारी जो होता है वो पुलिस विभाग का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। तो वो पहुंचा, उसने फिर अपने मुखबिर लगाए, पूछताछ शुरू किया, उसके बाद फिर सुपरविजन अधिकारी ये वारदात की रिपोर्ट प्राप्त होने के महज 3 घंटे में ही आरोपी को पकड़ लिया गया था। ये भी एक अच्छी शुरुआत रही पुलिसिंग के दृष्टिकोण से, खासकर मेरी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.